हेलो फ्रेंड, मैं आज आपका आप सभी का मनपसंद डिश लेके आई हूँ। तो रेसिपी का नाम है खिचड़ी। तो फ्रेंड, मैं निवेदिता पाल, वेलकम टू माय किचन। आप देख रहे हैं सुपर मॉम की रसोई में। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ, वो भी शाकाहारी, पूरा वेजिटेबल मिक्स करके। तो आइए फ्रेंड, हम लोग खिचड़ी कैसे बनाते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं कटी हुई थोड़ा सा आलू लूँगी, थोड़ा सा टमाटर लूँगी, थोड़ा सा गोभी लूँगी, थोड़ा सा गाजर लूँगी, थोड़ा सा कद्दू लूँगी, थोड़ा सा बीन। फ्रेंड, आप और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं दो दो लोगों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ तो इतना सब्जी काफ़ी है। तो फ्रेंड, ये थोड़ा सा मैं मूंग डाल ली हूँ, थोड़ा सा मसूर डाल, और ये चावल है। तो फ्रेंड, आइए हम लोग खिचड़ी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, तो मैं इसी बाउल में खिचड़ी बनाती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड, हम लोग थोड़ा पानी को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड, आपका पानी हल्का गर्म हो चुका है। अभी हम लोग पानी में चावल ऐड कर देंगे। बस मसूर दाल ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग मूंग दाल ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके हम लोग मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड, चावल दो तरह का दाल अभी पकने दीजिए फ्रेंड। तब तक आइए फ्रेंड, हम लोग खिचड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग की कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले फ्रेंड हम लोग तेल ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, तेल को गर्म होने दीजिए। तो फ्रेंड, तेल गर्म हो चुका है। ये बादाम है, थोड़ा हम लोग बादाम को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, खिचड़ी में बादाम या काजू अब जो भी दिए, खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं काजू की जगह बादाम ऐड कर रही हूँ, या आप दोनों दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इसे थोड़ा फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, आपका बादाम फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे बादाम को। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग बादाम फ्राई कर चुके हैं। फ्रेंड, अभी हम लोग उसी तेल में थोड़ा सा हम लोग पाँचफड़ंग ऐड करेंगे। फ्रेंड, पाँचफड़ंग देने से छींटा मारती है, तो मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। छींटा ना मारने के लिए थोड़ा सा आप हल्दी ऐड कर दीजिए, तब जाके छींटा नहीं मारेगा। फ्रेंड, अभी हम तेज़पत्ता और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और फ्रेंड, जितना सब्जी है हम लोग एक एक करके ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आलू ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फूलगोभी ऐड करेंगे, थोड़ा सा बीम ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग कद्दू ऐड करेंगे और थोड़ा सा गाजर ऐड कर देंगे। और फिर सारी सब्जियों को थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देके अच्छी तरह हम लोग भूंज लेंगे। फिर आप और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, ये शाकाहारी खिचड़ी है। आप इसे व्रत या कुछ भी आप मनाए घर पे, उस पर कुछ भी आप बनाए, आप ये खिचड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए।
जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम लोग इसमें मसाला ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड, हमारा खिचड़ी भी तैयार हो रहा है। फ्रेंड देखिए, हमारा सब्जी भी भून चुका है, अच्छा कलर भी आ रहा है। अभी हम लोग फ्रेंड इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, कटा हुआ टमाटर। फ्रेंड मैं एक बड़ा टमाटर ले चुकी हूँ। अभी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड इसमें हम लोग मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेंड थोड़ा सा हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्रेंड थोड़ा सा खिचड़ी में अच्छा कलर आने के लिए थोड़ा सा हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। फ्रेंड हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर मसाला को अच्छी तरह से हम लोग भूंज लेंगे। तो फ्रेंड आपको मसाला को अच्छी तरह भूंज लेना है। फ्रेंड आज हमको खिचड़ी खाने का बहुत ही मन हुआ, इसलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये भेज का खिचड़ी, शाकाहारी का खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। आप जितना सब्जी दे सकते हैं डाल दीजिए। और इस खिचड़ी में क्या होता है फ्रेंड, इतना मसाला भी नहीं लगता है, शरीर भी अच्छा रहता है। हमको लगता है कि सबको खिचड़ी खाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड आपको अच्छी तरह से मसाला को भूंज लेना है। फ्रेंड आपके पास यदि मटर है तो वो भी डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड मटर का सीजन नहीं है मटर खेती का, इसलिए मैं सारा सब्जी ऐड कर चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड आपका मसाला भूंज रहा है। तो फ्रेंड आपका खिचड़ी का मसाला बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड देखिए, दूसरी तरफ हमारा खिचड़ी भी तैयार हो रहा है। फ्रेंड जब ये खिचड़ी चावल 50% पक जाए तब हम लोग सारे सब्जियों को खिचड़ी में ऐड कर देंगे। तो आइए फ्रेंड हम लोग चेक कर लेते हैं खिचड़ी को। हाँ फ्रेंड देखिए, 50% पक चुका है, आधा खिचड़ी हो चुका है। अभी हम लोग जो सब्जियों को हम लोग भूंजे थे अभी खिचड़ी में ऐड कर देंगे। फ्रेंड अभी हम लोग सभी सब्जियों को खिचड़ी में ऐड कर देंगे। इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड और 10 से 10 मिनट लगेगा खिचड़ी तैयार होने में। थोड़ा और चावल को पकने दीजिए और सब्जियों को थोड़ा गुड़ मिल हो जाने दीजिए। फ्रेंड मैं आपको रोज वीडियो देती हूँ, आपको लाइक शेयर कमेंट करने में क्या दिक्कत होता है। प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मैं आपको सारे नए नए वीडियो और सारे अच्छे अच्छे नए नए वीडियो देती रहूँगी। तो फ्रेंड देखिए, आपका खिचड़ी तैयार हो चुका है।
अब आइए हम लोग एक अच्छा सा इसका छोक लगाते हैं। तो फ्रेंड छोक लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग घी ऐड करेंगे। अब फ्रेंड कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अभी हम लोग जीरा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कसूरी पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फ्रेंड हम लोग हींग ऐड कर देंगे। अरे फ्रेंड हम लोग छोक के ऐड कर देंगे। अभी हम लोग अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आपका खिचड़ी बनके तैयार हो चुका है। आइए हम लोग एक अच्छे थाली में परोस लेते हैं। फ्रेंड देखिए मैं एक थाली में खिचड़ी निकाल चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड कितना यम्मी दिख रहा है फ्रेंड, वो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड। मैं इसके साथ थोड़ा सा पटल का भुजिया ले चुकी हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा मीठा चटनी टमाटर का चटनी और थोड़ा सा पापड़ इसके साथ खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंड। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं फ्रेंड। मेरा मानना है कि आप संडे को बनाएं क्योंकि संडे को सभी का छुट्टी का दिन होता है। तो ये रेसिपी आप संडे को बनाएं और फुल फैमिली के साथ खाइए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंड। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड प्लीज़। ये वीडियो आपको रेसिपी मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है ना फ्रेंड। तो ये गर्मा गर्म या ठंडा खिचड़ी का आप लुत्फ़ उठाइए और ये रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।